हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। देखिए, आज हम एक सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग को लगाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने मंगवाई थी घर से, तो अब हम इसको लगा के देखते हैं। और इसका एक छोटा सा प्लांट मेरे पास पहले भी है, तो वो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा प्लांट जो पहले से ही मेरे पास है, ये देखिए। और इसकी ग्रोथ अभी ठीक ठाक चल रही है। ये देखिए, ये वाला प्लांट। तो जब सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को हमने लगाना है, तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लग जाता है। और लेकिन इसको आप जब भी लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बिल्कुल इसको हल्की धूप मिले। ऐसा नहीं कि इसको आप बिल्कुल धूप में रख देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको बस ऐसे आपने 3 इंच या 3-3.5 इंच इसको मिट्टी में लगा के बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देना है। बस अगर आपको मिलाना है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी है, अगर आपने कंपोस्ट मिलाना है तो 10% कंपोस्ट आप मिला लीजिए। और इसमें आपने मंथ में एक बार आप इसमें कंपोस्ट दे सकते हैं। और देखिए, इसकी लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मतलब हर गार्डन में ये प्लांट तो होना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी लीव्स बहुत अच्छी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। तो आप लोग भी सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को लगाइए, और इसको आप इंडोर भी बिल्कुल रख सकते हैं। इंडोर में भी सॉन्ग ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक से चलता है। और इसका एक बात और भी है, ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो ये मतलब इंडोर बहुत अच्छा इसको लगाना है, क्योंकि एयर प्यूरीफाई है तो इसे फ़ायदा ही होगा। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट्स को फ्रेंड्स आप लोग भी लगा लीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है ये लुक में। ये देखिए, तो अभी देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी चलती है। और ये कटिंग से बिल्कुल इजीली ग्रो हो जाता है। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है कि वो तो हर प्लांट में ही आप लोग से मैं बोलती हूँ कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से आप हमें पता भी नहीं चलता और पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है बिल्कुल। जब सॉइल अच्छी तरह से प्लांट की मतलब जो पॉट में सॉइल है तो वो बिल्कुल सूख जाती है, उसके बाद ही हमने वाटरिंग देनी होती है। ये देखिए, तो इसमें एक कनेर का भी एक कटिंग लगी हुई है। ये देखिए, तो इसमें भी बिल्कुल छोटी सी रूट्स स्टेम निकल रही है। ये देखिए लीव्स बिल्कुल दिख रही हैं। ये देखिए, तो ये लग गई है ये वाली कटिंग। तो आप लोग ने जब भी कटिंग लगानी है, वैसे कटिंग हर सीज़न में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोग भी सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को ज़रूर से लगा लीजिए। ये देखिए, ये दिखने में लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए, तो आप इसको लगाइए, और इंडोर आउटडोर आप कैसे भी इसको रखिए, बट आउटडोर इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। ये देखिए, ये जो पहले वाली कटिंग लगी थी, ये देखिए यहाँ से, और इसमें एक नया ये स्टेम निकल गई थी। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसको कट करके दो कटिंग बना लूँ और ऐसे लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने अभी इसको एक साथ ही लगा लिया है। देखते हैं इसका क्या प्रोसेस रहेगा कटिंग का, तो फिर देखेंगे। इसको चेंज अगर करना होगा तो फिर देख लेंगे। तो आप लोग भी फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को लगाइए, और अपने बालकनी गार्डन, अपने टेरेस गार्डन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल आप लोग बनाइए। तो देखिए, लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल है ये प्लांट, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसके साथ में ही मैंने एक तुलसी का छोटा सा प्लांट भी लगा रखा है। तो ये भी एक मेरे फ्रेंड ने दिए हैं तुलसी के प्लांट। तो ये देखिए, साथ में इसके बगल के प्लांटर में लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।